हमारा जो नृत्य संगीत है ये काफी साइंटिफिक चीज है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और यही वजह है कि लोग खुशी खुश होने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए कोई म्यूजिक सुनते हैं, किसी ताल पे थिरकते हैं, मन शांत होता है, खुश होते हैं, इतने सारे रुपए खर्च करते हैं गीत संगीत को सुनने के लिए या कहीं जाके इस तरह के समारोह में उपस्थित होने के लिए। और मैं तो बस मैं सरकार से भी ये मांग करूंगी कि जो सरहुल का त्योहार है ये प्राकृतिक का त्योहार है, ये सिर्फ हमारे आदिवासी वर्ग को देखा जाता है कि वो मनाते हैं, और प्राकृतिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम सबको ये आभास करने की जरूरत है कि हम सबको, मतलब सारे वर्ग तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम जन हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम प्राकृतिक को लेके थोड़ा अपने प्रेम को उजागर करें जगह जगह, जहां पे भी, जिस तरह से भी हो सके, और पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पे एक ठोस कदम उठाए और ये सरहुल त्योहार सिर्फ आदिवासी नहीं, एक एक व्यक्ति मनाए, क्योंकि ये त्योहार प्राकृतिक त्योहार है और ये प्राकृतिक हम लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि इसी से हम जीते खाते हैं, सांस लेते हैं, ये वातावरण में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और इस पे अपना पहल करें। और भी मेरा जो संदेश है, क्योंकि हम ये भी चिंता होती है कि हमारे जो झारखंड का धुन है, जो झारखंड का हमारा जो भाषा है, जो हमारा झारखंड का ध्वनि है, वो उतना सुनाई नहीं देता है, तो इस पे अपना आवाज डालने का काम किए हैं, और सारे जो हमारे कलाकार हैं झारखंड के, उनके रिस्पेक्ट पे ये गाना गाए हैं, और बहुत ही कम संसाधन में, बहुत ही कम समय में, 1 घंटे में हम लोग गाना रिकॉर्ड करे हैं। मंगल जी हमारे साथ अभी नहीं है, उन्होंने गाना लिखा है, और सोनू जी हैं जो पूरा मैनेज किए हैं सारा चीज, मोनू जी जो पतरातू के ही रहने वाले हैं और काफी पहले आके हमसे मिले थे, अपने जो यहाँ पे कलाकार लोगों को जो परेशानी हो।